नमस्कार दोस्तों, आज हम पेंसिल से स्क्रेच करने जा रहे हैं, मोर बनाएंगे। कुछ दोस्तों ने कहा कि मोर जो है तो आप स्क्रेच से स्टार्टिंग से बना के दिखाइए, तो मैं आज पेंसिल से, आप देख सकते हैं कटर और पेंसिल मैं लिया हुआ हूँ, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ था, तो फिर याद आया कि स्क्रेच करते हुए वीडियो बनाना है, इसलिए रुक गया। अब मैं आपके सामने स्क्रेच करता हूँ, तो गौर से देखिएगा किस तरह से। अब सबसे पहले मोर का मुंह बनाते हैं। तो आप गौर से देखते जाएं, इस तरह से आपन को पेंसिल से बना लेना है। और जो दोस्त इस वीडियो में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे और नए वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं धीरे धीरे हल्के हाथों से स्क्रेच कर रहा हूं पेंसिल से। पेंसिल से बनाने में क्या है कि अगर डिस्टर्ब भी होता है तो आपन सुधार सकते हैं, और डायरेक्ट कलर लगाने में अगर बिगड़ गया तो फिर बिगड़ गया, फिर वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऑयल पेंट का काम है। और मैं इसमें दीवार में वाटर कलर का इस्तेमाल करूंगा। फ़िलहाल अभी मैं पेंसिल का काम कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। पूरी कला अपन को पेंसिल से ही उभार लेनी है। अगर थोड़ा मिस्टेक भी होता है पेंसिल से तो अपन कलर से सुधार लेंगे। फ़िलहाल अपन को जो रूप देना है पेंसिल से बनाने के बाद लगने लगे कि हाँ, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। और फिर कलर करने का जो तरीका होता है मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कुछ दोस्तों ने कहा वीडियो को फास्ट मत कीजिएगा, बनाने में हमको दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता, इसलिए मैं स्क्रेच का वीडियो बिल्कुल भी फास्ट नहीं करूंगा। नॉर्मल जो वीडियो बनता है उसी में मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मोर बनाना है अपन को, और आप भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई चित्र हो तो उसको देख देख कर पेंसिल से स्क्रेच करके बना सकते हैं। क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है, मैं बहुत मोर बनाता रहता हूं, तो मैं बना रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पे अपन जो पंख होता है, पीछे वाला पंख, उसके शरीर के पीछे से थोड़ा सा निकालना है ताकि लगे कि दो पंख हैं, और इस साइड वाला पंख यहाँ से निकाल लेते हैं। तो गाइस, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और सीखें किस तरह से पेंटिंग और चित्रकला किस तरह से की जाती है। तो ये पैर बना रहे हैं अपन, दोनों पंखों के सेंटर से पैर अपन निकालेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। ये हमारा ऊपर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब है, अब ये जो इसके सर में फुलझड़ियाँ टाइप का रहता है उसको भी बना लेते हैं। अब ये जो नाचता है मोर, तो पीछे से जो पंखुड़ियाँ निकलती हैं और उसके बाद पंख निकलते हैं, तो पंखुड़ियाँ पहले बना लेते हैं। तो पंखुड़ियाँ इस तरह से अपन को बनाना है। अपन अंदाजे से भी अब काम कर सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, जहाँ पे अपन को सेट बैठे वहीं पे अपन बना लेते हैं पंखुड़ियाँ। ज़्यादा कम भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। फ़िलहाल हमारा जो मेन काम था पेंसिल वाला वो हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा तेज कर सकता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना होने पाए। अब अपन को जहाँ पे मोर पंख बनाना है वहाँ पे लाइन स्क्रेच कर लेते हैं इस तरह से, और ये हमारा स्क्रेच वाला काम पूरा हो गया। कस्टमर आए हुए दुकान में, थोड़ी देर बाद बनाता हूँ। नमस्कार, हम फिर से लौट आए हैं इस मोर को कंप्लीट करने के लिए। अब हमको कलर करना है, तो आप देख सकते हैं मैंने ब्रश लिया हुआ है और कलर करेंगे, वो बना लेंगे। तो सबसे पहले अपन नीला कलर का उपयोग करते हैं, जो मोर
पंख में जो आँख जैसा होता है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, सॉरी माफी चाहता हूँ, गोलाकार बनाना पड़ता है। पहले अपन राउंड करके गोलाकार नीला, ये लाइट नीला है, इसको अपन नीले कलर के इस तरह से आप देख सकते हैं, जितने भी बनाने हैं अपन बना लेते हैं। इस तरह से अपन को गोलाकार बना लेते हैं, क्योंकि गोला नहीं होता है, लेकिन हमको इसमें डिजाइन देके हूबहू बना लेंगे, इसलिए हम अभी गोलाकार कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। अब मोर का जो शरीर है उसमें अपन को जो भी कलर देना है, अपन नीला कलर देते हैं, ज़्यादातर नीला ही रहता है, तो नीला कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लगाना है नीला कलर, और किस तरह से उसको मैनेज करना है ब्लैक कलर के साथ, डार्क नीला के साथ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कितने में नीला कलर करना है, वो आप अच्छे से देखिए। ये अब इसको ब्लैक कलर से मैनेजमेंट करेंगे, ये डार्क नीला, सॉरी डार्क नीला, ये अपन बना चुके हैं डार्क नीले का उपयोग कर बीच में, ताकि उठा हुआ दिखे। अब हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे, उस आँख में थोड़ा सा नीला बचा के इसको ब्लैक में बंद कर देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं, गौर से देखिए कितना अपन को नीला जो कलर है किस तरह से अपन को थोड़ा सा बचा के ब्लैक करना है, इस तरह से ऊपर साइड थोड़ा सा अपन को वो जो नीला कलर पहले लगाया उसको बचा देना है, और उसमें ब्लैक कलर लगा देना है। तो इस तरह से अपन को जितने भी हैं सब में अपन को ब्लैक कलर लगा लेना है, थोड़ा सा ऊपर साइड बचा के, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ये अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस मोर के पंख बनाएंगे ब्लैक कलर से, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये दूसरा पंख भी ब्लैक कलर से, और ये आउटलाइन जब अपन बनाते हैं तो उसको भी ब्लैक कलर से, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम इन पंखुड़ियों में लगाएंगे रेड कलर, रेड और येलो मिक्स करके लगाने में ऑरेंज बीच में बनता है, फिलहाल हमें अभी रेड लगाना है, तो आप देखें किस तरह से रेड लगाना है। अपन को ये ब्लू कलर को बीच में बचा के इस तरह से रेड को लगा लेना है। आप देख सकते हैं किस तरह मैं रेड कलर लगा रहा हूँ, बस ऐसे ही लगाना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मेरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहें, आप भी बड़ी आसानी से ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं। अब हम येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देख सकते हैं किस तरह से येलो कलर, और बीच में थोड़ा सा रेड कलर को दबा के ताकि ऑरेंज में तब्दील हो जाए। इस तरह से अपन को धीरे धीरे लगा लेना है, एक साइड में लगाना है। आप देख सकते हैं किस तरह से लगाना है, इस तरह से अपन को येलो कलर ऊपर साइड लगाना है और रेड कलर को हल्का दबा के लगाना है, इस तरह से अपन बहुत मस्त डांस करा थे। देख रहे हैं किस तरह से हमने पीला कलर लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से कलर लगाना है। वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट किया हुआ है, वीडियो लंबी ना हो जाए, फिर भी बहुत लंबी हो रही है, तो सॉरी गाइस, क्या करें, जब तक पूरा बनाना है तो टाइम तो लगता ही है। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और आपको बनाकर दिखाते हैं एक सुंदर सा मोर। तो अब देख सकते हैं, अब हमें ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना है, तो ग्रीन कलर कैसे इस्तेमाल करना है आप देखिए वीडियो में।
इस तरह से धीरे धीरे अपन को येलो कलर बचा के उसके बाहर ना निकलने पाए और येलो कलर को दबाने भी ना पाए, तो इस तरह से अपन को ग्रीन कलर लगा के इस तरह से उनकी पंखुड़ियाँ ऐसे बनाना। आप गौर से देखिए वीडियो ऐसे, इस तरह से अपन को पंखुड़ियाँ बना लेना है मोर की। इस तरह से मोर पंख की पंखुड़ियाँ ग्रीन कलर से अपन को बना लेना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो में जो दोस्त नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में मोर बन के तैयार होगा और बहुत ही खूबसूरत मोर बन के तैयार होगा। ग्रीन कलर कैसे इस्तेमाल करना है आप देखते रहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं ये। जिस तरह से मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर को लगाया है बहुत बारीकी से लगाना पड़ता है, बहुत टाइम लगा है, इसलिए मुझे वीडियो फास्ट करना पड़ा है। अब हम यहाँ पे नीला कलर लगा रहे हैं, बीच बीच में नीला कलर, जितने जगह भी गैप है सब जगह नीला कलर लगा के इस तरह से अपन बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बना रहा हूँ, आप भी इस तरह से बनाइए और मोर को खूबसूरत बनाएं। सो गाइस, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।